उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भी किसान कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के हजारों किसानों ने दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे जाम कर दिया है। जब किसान दिल्ली जाने लगे तो किसानों को अमरोहा के गजरोला में रोक लिया गया। धरने के दौरान किसान हाईवे पर ही खाना बनाते हुए दिखे। किसानों के धरने से हाईवे पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय पाल सिंह ने कहा कि जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती तब तक हाईवे जाम रखेंगे। किसानों ने चेताते हुए कहा कि किसानों पर दिल्ली में पुलिस द्वारा जो लाठी चार्ज किया गया है उसका खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। वहीं भाकियू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने पंजाब के किसानों का आंदोलन को लेकर धन्यवाद किया और कहा कि सरकार द्वारा लाया गया कृषि बिल अब तक का सबसे काला बिल है। अमरोहा से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। जो आज आपने जाम लगाया है आपकी क्या मांगे हैं और ये कब तक आपने जो आज क्या इन्होंने अध्यादेश पास करा किसानों के खिलाफ है? या तो ये गारंटी ले कि जो भाव सरकार कर रही है गन्ने पर तो बोलते ही ना करेसर वाले 200 रुपये ले रहे हैं, उन्हें भी 325 लेना चाहिए ना। मैंने रेट तो 225 2-2 रुपये कम ले लें, मर्जी है चाहे 50 रुपये ले लो, कोई माल लूट रहा है किसान का। अब मक्का का भाव क्या है सरकारी रेट पर, वहाँ 800 रुपये नहीं बिक रही, तो इन्होंने गलत कर रखा है। दिल्ली जान नहीं दे रहे तो यहाँ ही कर रहा है प्रोग्राम। पंजाब के किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत बड़ा आंदोलन करा उन्होंने, उनका उनका साथ हम दे रहे हैं सब लोग यूपी के भी। तो ये अब आपका आज हमारा हर जिले में है। लेकिन जिस तरीके से किसान अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर और पुलिस द्वारा जगह जगह किसानों के साथ बर्बरता की जा रही है तो क्या? हाँ ये तो गलत है, ये तो इन्हें पछताना पड़ेगा। सरकार को सोचना चाहिए, किसान तो भगवान हो है, इसके हाथ नहीं लगाना चाहिए किसान को किसी को, इसका तो बदला ले लेंगे किसान वोट से ले लेंगे। तो ये धरना आपका कब तक रहेगा? ये तो अब अनिश्चित काल लग रहा है। आप देखो कोई आवे तो क्या हुआ, अभी तो चलेगा ये तो। अभी ऊपर वालों का आह्वान पर जो होगा हाँ हो जाएगा। 2 बजे तक वहाँ की स्थिति देख के बाद में हाँ देखेंगे हम। बासी गन्ना दूसरा भी 2 महीने देर से और गिर रहा, इसका तो सवाल ना पहले ही ना दिया, कोर्ट भी फेल हो गया, कई बार आदेश हो गए, ब्याज आज लोग किसी ने दिया ना, मूल में ना दिया। हाँ बोलो तो भैया, बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, बिजली कहीं फ्री है। हम कह रहे हैं अखिलेश सरकार आई थी, इन्हें नहर फ्री कर दी थी और सरकारी ट्यूबवेल फ्री कर दिए थे। हम इस सरकार से कह रहे हैं योगी जी, जो किसान समर्थक हो तो यूपी के किसानों को बिजली फ्री कर दो। क्यों नहीं बिजली फ्री होनी चाहिए? नहीं पंजाब में फ्री है टीवी पर आ रहा या नहीं है तो बताओ। अब एक गारंटी ले रहा है कि जो भाव सरकार कर दे हमारी गलत मांग थोड़ी है, जो भाव सरकार निकाल रही है वो भाव सबको मिलना चाहिए, लेकिन वो कुछ 5% किसानों को मिलता, बाकी धान गन्ना बहुत कम उस पर जा रहा। गोलुओं पर गन्ने का भाव 200 से भी कम है, सरकारी रेट 325 है, पुराना ही 4 साल पहला, 4 साल से तो इस सरकार आई जब से तो कोई रुपया 300 हो गए बढ़ा ही नहीं। तो 4 साल में कितने पैसे बढ़े हमारे खाद पर बीज पर कपड़े पर, क्यों नहीं हवा नहीं मिली। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.